नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एट द रेट 11 में और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहली खबर दिल्ली से आपको बताने जा रहे हैं। अमित शाह से मिले हैं आज ओम प्रकाश राजभर। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमित शाह से मिले हैं ओम प्रकाश राजभर। यूपी की सियासत को लेकर बातचीत हुई है। मुलाकात के दौरान धर्मेंद्र प्रधान भी इस मुलाकात में मौजूद रहे। खबर आपको बता रहे दिल्ली से, जहां मुलाकात के दौरान धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे और अमित शाह से आज ओम प्रकाश राजभर मिले। खबर दिल्ली से। जहां अमित शाह से सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की है और यूपी की सियासत को लेकर बातचीत हुई है और इस बातचीत के दौरान धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे दिल्ली से, जहां अमित शाह से ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की है और यूपी की सियासत को लेकर बातचीत हुई है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ चुके हैं। अमित, आज जो इनकी मुलाकात हुई है, इसकी क्या सियासत के मायने निकाले जा रहे हैं? यूपी की सियासत को लेकर बातचीत हुई है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो है चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, अब चुनाव खत्म हो चुके हैं और हालांकि होली का मौसम है, कहा यह जा रहा था कि होली मिलने के लिए अमित शाह के साथ ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की है, लेकिन सियासी मायने में कई सारी चीजें हैं। अब ओम प्रकाश राजभर चूंकि खासतौर पर बीजेपी सरकार यूपी में आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर का रुझान अब बीजेपी की तरफ है। इससे पहले जब लोकसभा चुनाव था, पहले ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ थे और मंत्री केंद्र के यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा सीटों में सीटों के लेके बात नहीं बनी और जब ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से अलग हो गए थे और बीजेपी को लगातार कोस रहे थे, लेकिन अब उन्हें फील्ड की हकीकत दूसरी नजर आ रही है और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर जो है अब बीजेपी में कहीं ना कहीं शामिल होना चाहते हैं, सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं, एनडीए के घटक बनना चाहते हैं, ऐसी खबरें लगातार आ रही है। जी अमित, आपसे जानना चाहूंगी, जो मुलाकात है यानी कि इसको शिष्टाचार भेंट नहीं कह सकते हैं, इसके सियासत के मायने कुछ और ही निकाले जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। ओम प्रकाश राजभर पहले यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ जाते हैं, फिर धर्मेंद्र प्रधान के साथ अमित शाह के घर पहुंचते हैं। जाहिर तौर पे एक आगे की का राजनीतिक कदम इसे मान सकते हैं, क्योंकि अब 2027 तक बीजेपी सरकार है और जो लोकसभा चुनाव है वो 2024 में है, तो ऐसे में क्या ओम प्रकाश राजभर को अपनी पार्टी का भविष्य किसके साथ में अच्छा नजर आ रहा है, हर कोई समझ सकता है। और यही बड़ी वजह थी कि पहले भी ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह के साथ कई बैठकें करी थी, लेकिन सीटों को लेके बात नहीं बनी और बीजेपी कहीं ना कहीं तमाम दलों के लिए नरम भी नजर आ रही, क्योंकि पूर्वांचल जिस तरह बीजेपी को सीटें मिली है उससे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के वोटरों को भी नकारा नहीं जा सकता, इसलिए न सिर्फ होली मिलन समारोह बल्कि राजनीति को लेकर कई मामलों में ये बैठक काफी इंपॉर्टेंट रही है। जी अमित जी, वो तो आने वाला वक्त अब बताएगा कि ओम प्रकाश राजभर ने जो आज मुलाकात की है, इसके सियासत के क्या मायने निकलकर सामने आते हैं। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपको दिल्ली से बता रहे, जहां अमित शाह से आज ओम प्रकाश राजभर मिले हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और यूपी की सियासत को लेकर इनके बीच बातचीत हुई है और इस बातचीत के दौरान धर्मेंद्र प्रधान भी इस मुलाकात में मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, जहां अमित शाह से ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की है, इसके सियासत मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं।